हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल मजे में होंगे। दोस्तों, आज की बड़ी हेल्दी रेसिपी है, क्विक रेसिपी है। हम लोग आंवला खाना तो चाहते हैं लेकिन आंवला खा नहीं पाते, कि लोगों को खट्टा लगता है, कि लोगों को कड़वा लगता है। लेकिन इस तरीके से आंवले की कैंडी बनाए, चटपटी सी, जो खाने में बहुत टेस्टी होगी। न सिर्फ टेस्टी होगी बल्कि ये हेल्दी भी होगी, डाइजेस्टिव भी होगी। अगर आपको हाजमे की प्रॉब्लम है तो भी बहुत काम आएगी, अगर आपको एनीमिया, खून की कमी है तो भी बहुत अच्छी रहेगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं चटपटी सी आंवले की कैंडी। दोस्तों, इसके लिए मैं आंवले जो इस्तेमाल कर रही हूँ, ताज़े आंवले हैं और ये कच्चे हैं। इन्हें मैंने सिर्फ धोकर पोंछ कर रखा हुआ, इन्हें उबाला नहीं है। आप इस तरीके से इनके पतले टुकड़े काट लें। देखिए, इस तरीके से मैंने पतले टुकड़े काटे और बीजों को अलग कर लिया है। तो अब हम इन्हें मिक्सी में पीसेंगे। साथ में मैं चाहिएगा गुड़। आप 1 कप कटे आंवले ले रही हैं तो उतना ही आप कूटा हुआ गुड़, जैसे दो नॉर्मल गुड़ से थोड़ा कूट कर इस्तेमाल करें, नाप लें। एक बराबर क्वांटिटी होनी चाहिए दोनों की। साथ में एक और जरूरी इंग्रेडिएंट है, जब भी हम गोलियां बनाएंगे वो आपस में चिपक जाती है, तो हमें पिसी हुई चीनी चाहिए होगी। दोस्तों, नॉर्मल चीनी है, इसे मैंने मिक्सी में पीस के बारीक कर लिया है। इसे हम बाद में ऐड करेंगे, ये बहुत कम सिर्फ डस्ट की जाएगी। हम पहले गोलियां बनाएंगे और इस पर डस्ट कर देंगे चीनी को। साथ में दोस्तों, इस गोली को खुशबूदार, हाजमेदार बनाने के लिए स्पेशल पाउडर है, ये ऐड करेंगे। इसके लिए दोस्तों मैंने 2 टीस्पून जीरा लिया है, 1 टीस्पून अजवाइन और आधा टीस्पून मैंने लिए हैं हींग। इन्हें मैंने पीस लिया है भूनने के बाद। दोस्तों, मैंने पैन में जीरा और अजवाइन को भून लिया था। आप इस तरह से हल्की आंच पर भून लें, इनका कलर बदल जाए जाए तो आप इसमें हींग ऐड करें, गैस बंद करें और 2 मिनट चलाएं और फिर पीस लें। बहुत ही खुशबूदार पाउडर बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए, मैंने मिक्सी में सब चीज़ों को डाल लिया और ड्राई पीस लिया। ये पाउडर हम यूज़ करेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये पाउडर दोस्तों हम ऐड करेंगे आधा टेबल स्पून। सूखे मसालों में हम ऐड करेंगे काली मिर्च और साथ में आमचूर पाउडर, अगर आमचूर पाउडर नहीं तो चाट मसाला, मैं आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। काला नमक ऐड करेंगे, आप सफेद नमक की जगह काला नमक ऐड करें। थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे, जो तीखी होती है, रंग अच्छा है वो वाली ऐड करें। गटागट कैंडी बनाने के लिए हम सबसे पहले आंवलों को ऐसे ही पीसेंगे। तो दोस्तों, आप पानी ना ऐड करें, बिल्कुल ऐसे ही पिस जाते हैं आंवले। आप ब्लेंडर जार में आंवले डालें और चला लें। तो देखिए, आंवले पिस गए, लेकिन इन्हें मैं बहुत बारीक करूंगी। आप इस तरह से दरदरे ना पीसें, इसे आप और बारीक करें। तो देखिए, आंवलों को मैंने मिक्सी में और चला लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कितने अच्छा फाइन प्यूरे बन गया आंवलों का। अब इसे निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में दोस्तों, जो हमने आंवले की प्यूरी बनाकर रखी है, इसे ऐड करेंगे और भूनेंगे। आप पानी या तेल कुछ ना डालें, हम आंवलों को सूखा ही कढ़ाई में भूनेंगे ताकि इनका रस थोड़ा सा ड्राई हो जाए। आंवलों को दोस्तों 4 से 5 मिनट तक हम अच्छे से पैन में रोस्ट करेंगे, ड्राई भूनेंगे। मैंने इसमें घी तेल नहीं ऐड किया और आंच को मैंने तेज किया हुआ है। आप 2 से 4 मिनट या फिर 5 मिनट तक इन्हें भूनें। देखिए, आंवले सूख गए हैं, 5 मिनट से मैंने लगातार भून रही थी तेज आंच पर। दोस्तों, अब हम गुड़ ऐड करेंगे, लेकिन गुड़ ऐड करने से पहले आप आंच को कम कर दें और गुड़ को कूट लें, फिर ऐड करें। तो देखिए, गुड़ को मैंने अच्छे से कूट लिया है दरदरा ही, और इसे मैं अब आंवलों में ऐड कर रही हूँ। आंवले गर्म है, कढ़ाई गर्म है, आंच को लेकिन कम रखें और गुड़ को मेल्ट करने तक भूनें। गुड़ पिघलने लगा है और अच्छे से आंवलों में मिक्स हो रहा है, अब इसे भून लें कम आंच पर। देखिए, गुड़ और आंवले का मिक्सचर बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। मैंने जो ये जीरा, अजवाइन और हींग का पाउडर बना के रखा है, ये ऐड करूंगी। इसे ऐड करते ही बहुत अच्छी महक आने लगेगी। और मैं इसमें ऐड करी 1 टीस्पून काला नमक। दोस्तों, 1 टीस्पून काफ़ी रहेगा, आप चाहें तो और ऐड कर सकते हैं। और इसमें 1 से 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे आमचूर पाउडर, साथ में ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, बहुत थोड़ा, बस हल्की सी स्पाइसनेस के लिए और कलर के लिए मैं बहुत थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, और थोड़ी सी काली मिर्च सिर्फ खुशबू के लिए। सभी मसालों को आप कम आंच पर मिक्स कर लें मिक्सचर में अच्छे से। तो देखिए, मिक्सचर में मसाले अच्छे से मिक्स हो गए, कलर कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे ताकि थोड़ा ड्राई हो जाए। आप लगातार चलाते हुए गुड़ और आंवले के मिक्सचर को भून लें। आप आंच को मीडियम में हाई भी कर सकते हैं। तो देखिए, गुड़ का मिक्सचर जो है एकदम जुड़ गया है, इकट्ठा हो गया है। तो देखिए, इसे मैंने 5 मिनट तक तेज आंच पर भूना और ये बनकर रेडी हो गया है। अब दोस्तों, इसे प्लेट में निकाल लें और ठंडा कर लें और फिर बाद में हम इसकी गोलियां बनाएंगे। गटागट कैंडी मिक्सचर को दोस्तों मैंने प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लिया है, देख सकते हैं आप, ये रूम टेम्परेचर पर आ गया और काफी अच्छे से ड्राई भी है। साथ ही दोस्तों, पाउडर्ड शुगर यानी पिसी हुई चीनी भी रेडी है। तो चलिए, बॉल्स बना लेते हैं छोटी छोटी। आप थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लें। दोस्तों, ये मिक्सचर थोड़ा सा चिपचिपा रहेगा, आप चाहें तो हाथ में हल्का सा पानी लगा सकती हैं बार बार। हाथ को बहुत गीला ना करें, हल्का हल्का मॉइस्चर रखें और गोलियां बनाती रहें। इस तरीके से आप बाइट साइज, छोटे साइज की बॉल्स बनाएं, जिस तरह से बाजार में मिलती है राम लड्डू की तरह। ये देखिए, बन के रेडी हो गई है। अब ये चिपक जाएगी क्योंकि बहुत चिपचिपी है, इसमें गुड़ है,
तो मैं इसे चीनी में रोल करूंगी ताकि ये एकदम ड्राई हो जाए और ये आपस में चिपके नहीं। तो देखिए मैंने इसे चीनी में अच्छे से कोट कर लिया है, पिसी हुई चीनी में, और हल्के हाथ से इसे झाड़ते हुए आप प्लेट में रख लें। इसी तरीके से दोस्तों एक तो कैंडी हमने तैयार कर ली है, आप और भी कैंडीज बना लें और मिक्सचर की हल्का हल्का आप हाथ में पानी लगा सकती हैं। तो देखिए कैंडीज मैंने बना ली, इस पर मैं थोड़ी और शुगर बुरक रही हूँ ताकि आपस में जुड़े नहीं। आप इन्हें 1 घंटे तक इस तरह से प्लेट में फैलाकर रखें, थोड़ी सी ड्राई हो जाएंगे और उसके बाद ही आप बर्नी में भरें। तो लीजिए बनकर रेडी है आपके लिए बड़ी टेस्टी चटपटी खट्टी मीठी आंवले की गटागट कैंडी। देखिए बनकर रेडी हो गई है, बड़ी चटपटी है और बड़ी खाने में अच्छी भी है, एक बाइट तो मैंने ले ली है। दोस्तों इसमें सभी जो चीज़ें हमने ऐड की हैं वो बहुत ही हेल्दी हैं। इसमें सबसे बेहतरीन जो चीज़ हमने ऐड की है वो है आंवला, जो कि बहुत ही अच्छा है, सेहत का खजाना। इसमें गुड़ है, अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, अगर आपको एनीमिया है, आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहे हैं, तो आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है ये। उम्मीद के साथ आप ये रेसिपी जल्दी ट्राई करेंगी। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।